नमस्कार। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जो कांग्रेस उपद्रव मचा रही थी, पूरे हिंदुस्तान की सरकारी संपत्ति को आगजनी के हवाले कर दिया था कांग्रेस के नेताओं ने, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इन उपद्रवियों के जरिए जो ये हिंसा फैलाने का काम किया था, उसको लेकर के अब सरकार ने बड़ा कदम उठा लिया। जी हाँ, सरकार के साथ साथ जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के रामलीला मैदान में संबोधित करेंगे, इसको लेकर के CAA को लेकर के, और वहाँ पर जो कॉलोनियां अवैध कॉलोनियां थी उनको कहीं ना कहीं परमिशन दी गई उसको लेकर के, तो प्रियंका गांधी जैसे जिस तरह से उपद्रवियों को भड़काने का काम कर रहे थे, या फिर कांग्रेस के नेता जो भड़काने का काम कर रहे थे, उसको लेकर के रोकथाम है वो हो चुकी है। क्योंकि जनता अब समझ चुकी है कि यदि विपक्ष ने इसी तरह से देश को जलाने का काम किया तो एक दिन वो पूरे देश को ही जला देंगे। इसलिए विपक्ष ने अब CAA यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के पक्ष में जो सड़कों पर उतर चुके हैं, करोड़ों लोग हैं उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है CAA के पक्ष में, यानी सिटीजन नागरिकता संशोधन जो कानून है उसके पक्ष में करोड़ों लोग हैं वो उतर चुके हैं। ऐसे में सोनिया गांधी जैसे जो देश विरोधी पार्टियों के नेता हैं, जो राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी है, आम आदमी पार्टी के कुछ नेता थे वो, और कन्हैया लाल जैसे राष्ट्र विरोधी नेता हैं, वो अपने अपने बिल में वापस लौट चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि अब बाजी ये उल्टी पड़ चुकी है। यानी करोड़ों लोग हिंदुस्तान के अंदर CAA के पक्ष में उतर चुके हैं, उसके समर्थन में उतर चुके हैं। तो इस तरह से कांग्रेस की बाजी अब पलटती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने जिस तरह से मुसलमानों में भ्रम पैदा करने, मुसलमानों में अफवाह फैलाने का काम किया, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से जनता जनार्दन के अंदर अफवाह फैलाई और उससे कहीं ना कहीं मुसलमानों को भड़काने का काम किया गया, मुसलमानों को डराने का काम किया गया, तो इससे तंग आकर के जनता जनार्दन, हिंदुस्तान की जनता जनार्दन ने सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्र विरोधी नेता हैं वो अपने अपने बिलों में छुप चुके हैं। जिस तरह से बिहार के अंदर शनिवार को जो बिहार बंद का आह्वान किया गया, और जिस तरह से यूपी के अंदर भी काफ़ी सारी हिंसा हुई, 18-19 लोगों की मौत भी वहाँ हो चुकी है, बिहार के अंदर भी काफ़ी तोड़फोड़ सरकारी संपत्तियों और प्राइवेट संपत्तियों की गई, उसको लेकर के जो अब जनता जनार्दन है वो जागरूक हो चुकी है, और कांग्रेस को अपने बिल में छुपना पड़ेगा क्योंकि उन्हें पता है कि ये बाजी है वो उल्टी पड़ चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के अंदर जो हुंकार भरी कि जो ये उपद्रवी हैं उन्हीं की संपत्ति को जो जब्त करके, और ये सरकारी संपत्ति पर नुकसान पहुंचाया गया, प्राइवेट संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया गया इसकी भरपाई की जाएगी, साथ ही उन पर NSA भी लागू किया जाएगा, यानी 250 से ज़्यादा लोगों पर जो देशद्रोह का मुकदमा है वो भी लगाया जाएगा। और एक बड़ी बात करते हुए जो CM योगी ने कहा कि इन जो उपद्रवियों की फोटोज वो जारी की गई है, उनकी पहचान कराने वालों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, और उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने वाले को यानी पहचान बताने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा, उसे उचित इनाम भी दिया जाएगा। और इसी को चलते अब कांग्रेस के तोते हैं वो सूखने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ये पूरी बाजी जिस तरह से कांग्रेस ने राजनीति के लिए, दिल्ली की वोट बैंक के लिए, मुसलमानों में वोट बैंक की राजनीति करने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ये पूरा गेम रचा था, लेकिन अब ये बाजी उल्टा पड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देश की जो अन्य जनता है, आम लोग हैं, वो कांग्रेस की खिलाफत में उतर चुके हैं, CAA के जो पक्ष में हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं, करोड़ों लोगों ने जिस तरह से CAA को समर्थन करने वाला जो काम किया है वो काफ़ी सराहनीय है। इसको लेकर के, इस नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सत्ता थी, जिसके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, उनकी सत्ता को लेकर के कहीं ना कहीं पेच पसा हुआ था, और बताया जा रहा था कि उद्धव ठाकरे हैं वो कुर्सी से हट जाएंगे, यानी कांग्रेस है वो निश्चित तौर पर जो नागरिकता संशोधन कानून लाया गया था उसके पक्ष में वोटिंग करने के कारण कांग्रेस अपने कदम है वो पीछे हटा लेगी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सत्ता को लेकर के, और ऐसे में कांग्रेस महाराष्ट्र की सत्ता है वो गिरा सकती है। इसको लेकर के जिस तरह से वीर सावरकर को लेकर के, हिंदुत्व मुक्त भारत को लेकर के, इस तरह के जो मुद्दे थे उसको लेकर के उद्धव ठाकरे कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन
जो दो तीन दिन से जो उद्धव ठाकरे के बयान आ रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं लगना शुरू हो चुका है कि उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से बोला कि हम यूपीए के हिस्सा नहीं हैं, हम एनडीए के हिस्सा हैं, महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनाना हमारी मजबूरी थी, कई अन्य कारण थे जिसकी वजह से हमें एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाना पड़ा, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हम कभी भी विरोध प्रकट है वो नहीं करेंगे। और उसके साथ जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में अब नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष में जो लोग सड़कों पर उतरे हैं, तो उसको देख करके कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि ये बाजी है वो उल्टी पड़ चुकी है। जिस तरह से भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किया, जिस तरह से छात्र छात्राओं को मोहरा बना करके इन राजनीतिक पार्टियों ने अपनी रोटियां सेकना शुरू किया, और अपनी रोटियां सेकते हुए जिस तरह से मोदी सरकार की खिलाफत इन लोगों में भरी, मुस्लिम समाज में जिस तरह से कांग्रेस ने जो मोदी सरकार के प्रति खिलाफत भरी और जिस तरह से सरकारी संपत्तियों को जला दिया गया, आगजनी के हवाले कर दिया गया, तो निश्चित तौर पर अब केंद्र सरकार भी जो यूपी में कदम उठाया गया यानी उपद्रवियों की संपत्ति जब्त करके उन पर NSA का मुकदमा भी लगाया जाएगा, उनको 5 साल तक की सज़ा भी हो सकती है और उनकी जो प्रॉपर्टी है उनकी प्रॉपर्टी है उनको जब्त करके जो ये नुकसान है वो पूरा किया जाएगा। और यही कदम अब केंद्र सरकार भी उठाने जा रही है। केंद्र सरकार के इस कदम के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, कन्हैया लाल जैसे देशद्रोहियों के खिलाफ है वो NSA का मुकदमा है वो दाखिल है वो हो सकता है। इसी बीच जो भीम आर्मी के चंद्रशेखर थे वो भी 14 दिन की रिमांड पर पुलिस के हिरासत में जा चुके हैं, उनकी जमानत अर्जी है वो भी खारिज हो चुकी है। यानी कुल मिलाकर के मोदी सरकार के प्रति खिलाफत भरने के लिए ये सोची समझी चाल थी। हालांकि कांग्रेस खुद 2011 में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के आई थी, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत नहीं होने हो पाने के कारण वो इस बिल को पास नहीं करवा पाई थी। लेकिन आज जिस तरह से बीजेपी ने ये बिल पास करवाया है तो खिलाफत कांग्रेस है वो क्यों कर रही है। हालांकि गृह मंत्रालय ने स्पष्ट बोल दिया है कि 1 जुलाई 1987 से पूर्व यदि आपने या आपके माता पिता ने हिंदुस्तान में जन्म लिया है तो उन्हें किसी भी तरह से नागरिकता है वो भारतीय नागरिकता सौंपी जाएगी, किसी तरह की नागरिकता उनके छीनने का कोई जो संशय है वो इस नागरिकता संशोधन कानून में नहीं है। यानी 1 जुलाई 1987 तक जिनका जन्म हिंदुस्तान में हो चुका है उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये कानून बनाया गया था घुसपैठियों के लिए। 1987 तक जो लोग जन्म चुके हैं या उनके बच्चों को भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें भी खुद को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है 1 जुलाई 1987 तक। और जिस तरह से आसाम को छोड़कर अन्य सभी राज्यों के अंदर किसी को ऐसा नहीं है कि 1971 से पूर्व के आपके दादी के डॉक्यूमेंट दिखाइए, आपका जन्म प्रमाण पत्र दिखाइए या पहचान पत्र दिखाइए आपकी दादी का, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। ये स्पष्ट गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में बता दिया है कि इस तरह का कुछ भी नहीं मांगा जाएगा, सिर्फ आप अपनी जन्मदिनांक दिखा करके ही नागरिकता है वो ले सकते हैं यदि आप घुसपैठिए हैं तो। यानी इस कानून से हिंदुस्तान के किसी भी मुसलमान को, किसी भी नागरिक को, किसी भी समुदाय के किसी भी नागरिक को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फिर भी कांग्रेस है वो किसी न किसी तरह से भ्रम पैदा करके मुसलमानों में मुसलमानों को डराने की कोशिश की और मुसलमानों को मोहरा बना करके जिस तरह से पूरे देश को आगजनी के हवाले कर दिया। तो अब जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और जो लोग हैं वो करोड़ों लोग कांग्रेस के प्रति खिलाफत में सड़कों पर उतर चुके हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरह से उपद्रवियों के साथ खड़ी हुई थी तो आज उसके खिलाफ भी जो करोड़ों लोग हैं वो सड़कों पर CAA के समर्थन को लेकर के उतर चुके हैं। तो ऐसे में अब इन लोगों के पास वापस बिल में घुसने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। इन राजनीतिक पार्टियां जो अपनी रोटियां सेक रही थी उनको वापस अपने बिल में जाना ही होगा और ये बिल में छुपना शुरू भी हो चुके हैं। जिस तरह से आज कांग्रेस का बयान आया है कि सोमवार तक सभी जो प्रदर्शन है वो रोक दिए जाएं, तो निश्चित तौर पर अब आम आदमी है वो हिंदुस्तान का, आम नागरिक है जो हिंदुस्तान का, वो अब सड़कों पर उतर चुका है और अब निश्चित तौर पर इन राष्ट्र विरोधी पार्टियों की खैर नहीं है। और उपद्रवियों को कहीं ना कहीं निपटने के लिए योगी सरकार की तरह ही केंद्र सरकार भी अपना सख्त कदम है वो उठा रही है। उन पर NSA यानी देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी को सीज किया जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी जब्त
करके जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सत्ता को लेकर के जो कांग्रेस का कदम क्या होगा ये तो देखने ही लायक होगा। जिस तरह से एनसीपी नेता शरद पवार ने भी अपने बयान में बोला था कि जो हमें 50-50 फार्मूले को लेकर के सुप्रिया सुले को सीएम बनाना है, लेकिन इसके लिए शिवसेना खुद राजी नहीं थी, इसको लेकर के भी शिवसेना और जो एनसीपी के नेता हैं उनमें तनातनी मौजूद है। इसके साथ ही जिस तरह से कांग्रेस को मंत्रिमंडल नहीं सौंपे गए, महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल शिवसेना ने अपने पास रख लिए और थोड़ा बहुत मंत्रिमंडल है वो एनसीपी को सौंप दिया गया, यानी कांग्रेस को खाली हाथ छोड़ दिया गया। इसके अलावा भी अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के कांग्रेस है वो अपना सख्त कदम अब उठा सकती है। जिस तरह से लोकसभा राज्यसभा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन संजय राउत की तरफ से समझें या फिर शिवसेना की तरफ से समझें या फिर उद्धव ठाकरे की तरफ से समझें किया गया, उसको लेकर के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी है कांग्रेस की वो कहीं ना कहीं इसको लेकर के नाराज जरूर है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि जिस तरह से ये विरोध प्रदर्शन वगैरह से जो कांग्रेस है वो फ्री हो जाएगी ये विरोध प्रदर्शन वगैरह से, तो उसके बाद अपना कड़ा कदम है वो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सत्ता को लेकर उठा सकती है। यानी अब कुल मिलाकर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सत्ता पर संकट है वो छाया, ऐसा बोल सकते हैं कि छाया हुआ है, बिल्कुल संकट छाया हुआ है। जो महाराष्ट्र के शिवसेना के विधायक हैं उनमें भी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के प्रति खिलाफत जरूर देखी गई है। फिलहाल आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सत्ता है उसको लेकर के जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी है वो किस तरह का कदम उठा सकती है। जिस तरह से शिवसेना ने नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष में वोटिंग की और उसके बाद बयान देना कि हम यूपीए के हिस्सा नहीं हैं, हम एनडीए के हिस्सा हैं, इसको लेकर कौन सा सख्त कदम कांग्रेस उठा सकती है, आप विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, अगली अपडेट, अगली न्यूज, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।